बिहार में समाजवाद के नाम पर गरीबी का बंटवारा हुआ है, लोगों को जाति समूहों में बांटकर अपनी रोटी सेकी गई है। और एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग जात की भी राजनीति नहीं कर रहे, मैं तो मन से रोज कह रहा हूं। जात की राजनीति तो ये होती ना कि अगर मैं ब्राह्मण हूं और मैं कहूं कि भाई ब्राह्मण का सबसे अच्छा लड़का आगे बढ़ना चाहिए। लालू जी ये कहां कह रहे हैं कि यादव समाज का सबसे अच्छा व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। मांझी जी ये कहां कह रहे हैं कि मुसहर समाज का जो सबसे अच्छा आदमी है वो आगे बढ़ना चाहिए। ये तो ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का आगे बढ़ना चाहिए, हमारा लड़का मुखिया होना चाहिए और आप हमारे जाति के हैं इसलिए सब लोग आप हमको वोट दीजिए। अगर जातियों की भी राजनीति होती तो कम से कम उन जाति समूह के लोग तो अच्छे हो गए होते भाई। यादव समाज के लोग अगर धनी हो गए होते तो भी मान लिया जाता, कम से कम 14% बिहार तो अच्छा हो गया, 13% बिहार तो के लोग तो अच्छे हो गए होते। तो ये तो जात के नहीं राजनीति है, ये तो परिवार और स्वार्थ की राजनीति है। जाति का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने परिवार की और स्वार्थ की राजनीति को मजबूत बनाए रखने के लिए।